चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी जो उनके शरीरांत का कारण बनी। दोस्तों, भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के रास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग द्वेष ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती, इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है, रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी सैया को घेरे बैठे हैं और बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान मेरे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान तीन बार कहते हैं पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ पा रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है वैसे तुम मुझसे पूछो। और बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधार भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहां बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया। आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान, तूने बड़ा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी वह ऐसा क्यों ना कहते। ये थे भगवान गौतम बुद्ध। दोस्तों, आप सब पे तथागत की अनुकंपा हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।